लो मैं इंडिया ची चला गया, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। झूठ व्लॉगर जो झूठी व्लॉगिंग करते हैं ये दिखा रहे हैं कि ये इंडिया के अंदर है और हालांकि ये पाकिस्तान के अंदर। ये देखो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रेवलर पर एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और अभी रिसेंटली मेरी जो है वो ईरान सीरीज़ ख़त्म हुई है और बीच में मैं गया था फोटा पास जो इंडिया वाले बॉर्डर पे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा तीन चार वीडियोज़ बनाई थी वहाँ पर, और वहाँ पर जो किसान था बॉर्डर पर मौजूद इंडियन किसान उससे बातचीत की थी। इसी बीच में एक ऐसा वाक़या हुआ जो कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए और मैं आप लोगों को ताकि वो चीज़ बता सकूँ कि लोग किस किस तरीके से फेक काम करते हैं आगे यूट्यूब के ऊपर। हालांकि उसकी वजह ये है कि लोग यूट्यूब पे व्यूज़ लेने के खातिर पता नहीं क्या कुछ करते हैं, क्या क्या हरकतें करते हैं, क्या क्या दो नंबरियाँ करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो उसी दो नंबरी जो है वो मेरे कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई, मैं अपने मोबाइल से वो रिकॉर्ड कर ली और वो कोई और नहीं था, वो मेरा अपना ही दोस्त था और वो मेरे साथ अक्सर जो ना उस पर जाता है मेरे साथ अक्सर, हम लोग साथ जाते हैं व्लॉगिंग के लिए। तो ये हरकत वो कर रहे थे जिनका ट्रेवलर लाइफ के नाम से उनका चैनल है और उन्होंने इस तरह से कुछ दिखाया कि एक खेत में वो खड़े थे और उन्होंने दिखाया कि एक पाँव ये इंडिया में हूँ और ये मैं वापस पाकिस्तान में आ गया। तो उसी दौरान इत्तेफाक से मैंने उनको देख लिया ये हरकत करते हुए, मैंने अपना फ़ौरन मोबाइल निकाला और वो कोशिश की शूट करने की। तो सबसे पहले आप वो क्लिप देखें उसके बाद बात शुरू करते हैं। ए तुसी मेरे पीछे देख सकते हो, ए पाकिस्तान की हदूद इतों ख़त्म हो जाती है, ए इंडिया के किसान जेड़े आ ना वो काम करन दे आ। बाबा जी ए सामने पीछे घर अपने इंडिया दे विच भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया जी, मतलब कुछ मैं ना अपना पैर जेड़ा वा और इंडिया दे विच ए लो मैं इंडिया ची चला गया, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया और मैं फिर पाकिस्तान दे विच जेड़ा वा वो आ गया। मैं कहना इंडिया दे विच जाके तो बगैर वीजे तो असी आइए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस टाइम मैं इंडिया दे विच मरना है क्या मरना है, तेरे को डर नहीं लगता और मैं फिर पाकिस्तान दे विच आ गया। झूठ बोल रहा है, झूठ व्लॉगर जो झूठी व्लॉगिंग करते हैं ये दिखा रहे हैं कि ये इंडिया के अंदर है और हालांकि ये पाकिस्तान के अंदर। ये देखो बड़ा मजा आ रहा है इधर आके, यकीन करो जबरदस्त। और ये कुछ नहीं है, ये सब पाकिस्तान है, मैं आपको दिखाऊं जहाँ ये बता रहा ना कि इंडिया है, ये इंडिया नहीं है, ये पाकिस्तान का इलाका है। मैं ऐसे व्लॉगरों की ना पोल खोलता हूँ। कंट्रोल कंट्रोल, ये देखो मैं भी आ गया। बाबा जी क्या हाल? बाबा जी पाकिस्तान में रहते हो ना तुसी? पाकिस्तान में रहते हो ना? तो क्या नाम है तुम्हारा? पाजी मुश्ताक अहमद। अच्छा अच्छा अच्छा, और बाबा जी सब खैर खैरियत? इधर ही रहते हो तुसी? हां जी इधर रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाबा जी इस उम्र में भी काम करते हो तुसी? हां जी। अच्छा कितनी उम्र है तुम्हारी? साडी जी 75 साल उम्र है जी। 75 साल? हां जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने देखा क्लिप, ये वो हरकत है जो ये कर रहे हैं बैठ के, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं व्यूज़ लेने के खातिर कि देखें मैं इंडिया में चला गया हूँ और वापस पाकिस्तान में आ गया हूँ। तो इस तरह और पता नहीं किस किस तरह से लोग जो है व्यूज़ लेने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन आप लोगों से मैं ये कहूँगा उनकी इंटेंशन जो है वो गलत नहीं थी, उनकी जो मकसद वो था ये था कि भाई वो कब से मेहनत कर रहा है बंदा, उसको व्यूज़ नहीं आ रहे। और उस अच्छा दूसरी चीज़, ये वीडियो देखने के लिए आप मैं लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं और ये मैं कुछ गलत नहीं दिखा रहा आपको, जो भी कुछ है मैंने इस उसके अंदर बात भी की बाबा जी से जाके जिसको वो इंडियन बता रहे थे। बाबा जी पाकिस्तान में रहते हो ना तुसी? हाँ जी। पाकिस्तान में रहते हो ना? हाँ जी। तो क्या नाम है तुम्हारा पाजी? तो लोग व्यूज़ के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो मेरा कहने का मकसद ये था कि वो भी मेहनत कर रहे हैं मेरे जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, हम लोग साथ ही मेहनत कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम उनको ज़रूर जो ना वीडियो में लेकर आऊँ, उनसे बात करूँगा आखिर ये ऐसा किया क्यों था। वैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज में है बात वो यही है कि वो व्यूज़ के चक्कर के अंदर ही ऐसा किया गया, लेकिन ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो आप लोगों के लिए जाके मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत तो झूठ चले जाता है और ऐसा झूठ जिसके अंदर किसी का नुकसान नहीं है, उसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ
और वो बहुत फ़नी वे के अंदर वो सारी चीज़ें हो गई। जब मैंने रिकॉर्ड कर ली थी मैंने बताया भी था उसको। और ये वीडियो भी जो मैं बना रहा हूँ उसकी परमिशन से ही बना रहा हूँ, वो मैंने पहले उससे परमिशन लिया कि भाई इस तरह से तुमने किया है एक अवेयरनेस के लिए कि क्या क्या करना पड़ता है वीडियो बनाने के खातिर व्यूज़ लेने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आपने जाके वो वीडियो देखनी ज़रूर है। और अगर उनका और भी काम पड़ा हुआ है उस चैनल के ऊपर, अगर आपको वो पसंद आता है तो आपने उन भाई को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है, उनको हिम्मत देनी है ताकि आइंदा से उनको ये सब कुछ ना करना पड़े और उनकी मेहनत का फल उनको वैसे ही बगैर कुछ किए मिल जाए। ये सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये उन्होंने किया और वो पकड़े गए पहली दफ़ा के अंदर ही। तो उनको भी सपोर्ट करें और मुझे भी सपोर्ट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।